हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इन मैनेजमेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि F.W. टेलर कौन है, सेकंड साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, थर्ड टेलर की कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं कि F.W. टेलर कौन है। तो इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इनका जन्म 20 मार्च 1856 को हुआ था और मार्च 21, 1915 को इनका शरीर शांत हुआ था। कि एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और इनको इतना ज़्यादा रिकग्निशन इसलिए मिला है कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स निकाले थे जिससे इंडस्ट्री की जो एफिशिएंसी है उसे बढ़ाया जा सकता था। ये वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स में से एक थे। 1909 में टेलर ने जितनी भी इनकी एफिशिएंट टेक्निक्स थी इन्हें सम अप कर दिया था अपनी बुक जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब यहाँ वर्ड आया साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू एक्सप्लेन द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू कंप्लीट अ टास्क। किसी भी काम को करने का जो बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट वे है ये फाइंड आउट करने के लिए जब हम लोग साइंस का यूज़ करते हैं, लॉजिक और रेशनैलिटी का यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसे टर्म देते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मैनेजमेंट थ्योरीज इन दैट इट प्रोवाइड्स टेस्टेड एंड साइंटिफिक वेज फॉर वर्कर्स टू कम्प्लीट टास्क। अदर मैनेजमेंट थ्योरी से साइंटिफिक मैनेजमेंट ऐसे डिफर करता है कि इसमें हम लोग कोई भी काम को पूरा करवाने के लिए वर्कर से टेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को, साइंटिफिक वेज का यूज़ करते हैं ताकि जो वर्कर्स है वो अपना टास्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस के साथ कंप्लीट कर पाएँ। अब जानते हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन से 5 प्रिंसिपल्स दिए थे, तो उसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दिस रूल फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क एंड नॉट विद द रूल ऑफ थंब मेथड। दिस विल सेव टाइम एंड ऑल्सो ह्यूमन एनर्जी। रूल ऑफ थंब होता है कि जैसे कि कोई भी मैनेजर, डायरेक्टर या अपर लेवल एम्प्लॉय है उसके एक्सपीरियंस के या उसके विल्स एंड विशेज के ऊपर काम होना उसे रूल ऑफ थंब कहते हैं। जैसे मैं लीडर हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि ये काम करने में 2-3 दिन लगने चाहिए, तो मैंने एम्प्लॉय को 2-3 दिन का टारगेट दे दिया, ये रूल ऑफ थंब है। तो पहला प्रिंसिपल कहते हैं कि हमें हर चीज़ के लिए टारगेट सेटिंग के लिए साइंस का यूज़ करना है, टेस्ट करना है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स को यूज़ करना है, ना कि एम्प्लॉयर की विल्स एंड विशेज के ऊपर टारगेट सेट कर देना है। दिस विल सेव टाइम एंड ऑल्सो ह्यूमन एनर्जी। The decision should be based on scientific analysis and cause and effect relationship rather than rule of thumb where the decision is taken according to the manager's personal judgment। जब हम लोग मैनेजर अपने हिसाब से काम करता है ना, अपने बिना किसी साइंटिफिक मेथड्स को देखे, अपने ही पास एक्सपीरियंस से, तो वो कुछ भी इनोवेटिव भी नहीं कर पाता, क्रिएटिव भी नहीं कर पाता। क्या पता वो काम को करने में ज़्यादा टाइम लगना था उसने कम टाइम दे दिया, कम टाइम लगना था उसने ज़्यादा टाइम दे दिया। तो इसमें ओवरऑल क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन एनर्जी भी वेस्ट होती है, टाइम भी वेस्ट होता है। पर वहीं उसकी जगह जब हम लोग साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करते हैं तो वो टाइम और ह्यूमन एनर्जी सेव हो जाती है, और जो डिसीजन होता है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस होता है कि हम ये करेंगे तो इसका ये इफेक्ट निकलेगा, और रूल ऑफ थंब में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर इंडिकेटेड एंड बिलीव दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड बी कम्प्लीटली हार्मोनियस। अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 2 ग्रुप होते हैं, पहला वर्कर्स, सेकंड मैनेजमेंट, और ये दोनों ग्रुप ना एक दूसरे के राइवल होते हैं। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, मैनेजमेंट ये सोचता है कि अरे ये वर्कर्स तो बस काम टालते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, और वर्कर्स ये सोचते हैं कि हमें ओवरबर्डन करा जाता है, हमें कम पे किया जाता है, हम ज़्यादा काम करते तब भी हमारा पे, हमारा बोनस कम होता है। तो टेलर क्या कहते हैं कि इन दोनों की राइवलरी ख़त्म करके इन दोनों को कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहना चाहिए, क्योंकि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एंड गोल है, वो सेम है। मैनेजमेंट क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और वर्कर क्या चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए।
अब अगर ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा तो जो लेबर है, जो वर्कर है, वो भी तो ज़्यादा कमाएगा ना, तो इनका जो डायरेक्शन है वो सेम ही है, तो इनको एक दूसरे के साथ हारमोनी में रहना चाहिए. डिफरेंस बिटवीन द टू विल नेवर बी बेनिफिशियल टू एडर साइड. तो मैंने जैसे कहा इन दोनों का मेन लक्ष्य एक ही है, तो अगर इन दोनों के बीच में राइवलरी रहेगी तो किसी का भी बेनिफिट नहीं होगा. मैनेजमेंट एंड वर्कर्स हेल्थ, ये टेक्निक है कि हम लोग अपना एटीट्यूड शिफ्ट करें, मतलब जो मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं वो एक दूसरे को देखने का अपना नज़रिया, अपना एटीट्यूड शिफ्ट करें, दोनों एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझें और एक दूसरे के साथ पूरे पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन से वर्क करें. द एम ऑफ बोथ शुड बी टू इम्प्रूव एंड बूस्ट द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दोनों का एम, मैनेजमेंट का भी वर्कर का एम क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को, हमसे पहले हमारी कंपनी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसे प्रॉफिट हो. मेंटल रेवोल्यूशन डिमांड्स अ कंप्लीट चेंज इन द आउटलुक ऑफ बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट. बोथ शुड हैव अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस. नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से काफ़ी सिमिलर है. इसमें भी बिलीव किया जाता है कि म्यूचुअल कोलैबोरेशन होना चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में. मैनेजर और वर्कर जो है उनके आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक सेंस ऑफ गुडविल होनी चाहिए उनमें आपस में. मेन पर्पस है कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कॉम्पिटिशन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्पिटिशन ना हो, कोऑपरेशन हो. और इसमें और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंतर्गत ही ये आता है कि मैनेजर्स को कोई भी टारगेट सेट करना है तो उन्हें वर्कर्स से भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, उनकी भी बातों को सुनना चाहिए, तो और एक दूसरे के कोऑपरेशन में मैनेजमेंट और वर्कर्स को वर्क करना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. किसी भी जो कंपनी की इफेक्टिवनेस है वो उसकी एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी, स्किल और उनकी इफेक्टिवनेस पे पूरी तरह निर्भर होती है. इसलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जब सिलेक्ट करना चाहिए तो बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए, और एक बार किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर दिया तो उसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करवाते रहना चाहिए ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी सबसे अप टू डेट रहे, उसकी स्किल्स इम्प्रूव हो. अब ये देखो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, जो एम्प्लॉयज़ है उसकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी तो उसकी वैल्यू मार्केट में अच्छी बनेगी, और जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्योंकि उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट हैं. टू एश्योर दैट ट्रेनिंग इज गिवन टू द राइट एम्प्लॉय, द राइट स्टेप्स शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक सिलेक्शन. ऐसा नहीं कि मैं किसी को जानती हूँ या कोई थोड़ा पोलाइटली बस बोल रहा है आज के दिन तो फिर मैंने उसे रख लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में. साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, बेस्ट कैंडिडेट लेना चाहिए और फिर उसे बेस्ट ट्रेनिंग करानी चाहिए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो स्किल्स हैं वो इंक्रीज हो सके. अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स. तो फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये इम्पॉर्टेंट है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर. फंक्शनल फोरमैनशिप इज़ अ फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दैट सपोर्ट्स फॉर पोजेसिंग न्यूमरस फोरमैन इन सेपरेट फंक्शनल रोल्स. क्लासिकली फैक्ट्रीज हैड जस्ट वन मैनेजर हु वुड मैनेज ऑल द ऑपरेशंस. दिस मैनेजर और द फोरमैन वॉज द ओनली कॉन्टैक्ट फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉयज. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर आर FW टेलर डिस्कवर्ड अ सिग्निफिकेंट डिफेक्ट इन दिस प्रैक्टिस. व्हेन ही रिकॉर्डेड ऑल ऑफ द फीचर्स अ सक्सेसफुल सुपरवाइजर वुड रिक्वायर, ही डिसर्न्ड दैट नो वन पर्सन कुड प्रॉबली हैव एवरी सिंगल वन, देयरफॉर द आइडिया ऑफ वर्किंग फोरमैनशिप वॉज बॉर्न. तो ये क्या कहता है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि एक ही लीडर होता था, वर्कर्स के पास सिर्फ एक फोरमैन होता था तो और वो सारे वर्कर्स उसी की बात मानते थे. पर इस जो सिस्टम चल रहा था इसमें हमारे FW टेलर भैया ने एक डिफेक्ट खोज निकाला. वो क्या डिफेक्ट था कि जितनी भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी में काम होने के लिए, उसे प्रॉफिट में होने के लिए अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारी स्किल किसी एक इंसान में होना पॉसिबल नहीं है. कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं है जो हर चीज़ में 100% परफेक्ट हो. कोई किसी चीज़ में परफेक्ट है और कोई कोई दूसरी चीज़ में परफेक्ट होता है. इसलिए इन्होंने क्या किया कि
8 बॉसेस बनाए इसके अंतर्गत, प्रोडक्शन के लिए अलग और प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट के, 8 बॉसेस का ग्रुप बनाया और जो वर्कर है अलग अलग काम के लिए अलग अलग बॉसेस से इंस्ट्रक्शन लेगा। सेकेंड है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि हम जितनी भी अपनी इंडस्ट्री में एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए स्टैंडर्ड्स सेट कर देते हैं, मतलब बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि किस ने टाइम में कोई काम होगा, किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल आना है, किस स्टैंडर्ड की मशीनरी, प्रोडक्ट, प्रोसेसेस हमारे हर इंडस्ट्री, हमारे हर फैक्ट्री में फॉलो अप होंगे, इसके स्टैंडर्ड सेट करना स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। दीज एग्जाम्पल्स आर द बेंच मार्क्स विच मस्ट बी अडहर्ड टू थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, में इन स्टैंडर्ड्स पे खड़े उतरना होता है एम्प्लॉयज को। सिंप्लीफिकेशन होता है कि एक कंपनी जो अननेसेसरी वेराइटीज़ बना रही है, मतलब एक ड्रिंक बनाती है उसने 200 उसकी वेराइटीज़ निकालती हैं, अननेसेसरी वेराइटीज़ को कट डाउन करना, क्योंकि जब हम लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी करेंगे तो हमारे पास उतना रॉ मटेरियल हमें लगाना पड़ेगा, हमें उतना ही ज़्यादा अलग अलग जगह वर्क करना पड़ेगा और जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि 200 ड्रिंक्स तो नहीं बिकते, 5-10 मैक्सिमम 15-20 मेन होते हैं जो बिकते हैं मार्केट में, बाकी तो नहीं बिकेंगे ना, तो फिर हमारा रॉ मटेरियल वेस्ट जा रहा है, हमारा टाइम लेबर सब वेस्ट जा रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन क्या कहते हैं, अननेसेसरी टाइप, साइज, डायमेंशन, अननेसेसरी वैरायटीज़ को कट डाउन करना और कम वैरायटीज़ में बेस्ट क्वालिटी देना। इट मींस कंट्रोल्ड इन्वेंट्रीज, हमारे पास कम चीज़ें हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे तो हमें इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी, हमारे सप्लाईज पूरे यूटिलाइज होंगे, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ सप्लाई एंड बूस्टिंग टर्नओवर एंड ओवरऑल हमारी जो टर्नओवर है सेल्स है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी के अंदर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, ये चारों स्टडीज वर्क स्टडी के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी। तो फर्स्ट पे जाते हैं जो कि हमारी टाइम स्टडी। इट सर्कमस्क्राइब्स द कन्वेंशनल टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वेल डिफाइंड जॉब। टाइम रेगुलेटिंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ईच पार्ट ऑफ द टास्क। द स्टैंडर्ड टाइम इज सेट फॉर द एंटायरिटी ऑफ द टास्क बाय टेकिंग डिफरेंट रीडिंग्स। द कोर्स ऑफ टाइम स्टडी विल रिलाय अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ द टास्क, द साइकिल टाइम ऑफ द प्रोसेस एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी क्या कहता है, ये किसी वही है कि हमें अपने मन के हिसाब से टाइम नहीं सेट करना है किसी भी काम को पूरा करने का, हमें साइंटिफिक मेथड्स को अपनाना है। जैसे कि हम एक नॉर्मल जो एवरेज वर्कर है उसके पास टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्लॉक की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कितनी देर में अपना काम कंप्लीट कर पाता है, और ऐसा अलग अलग दिन पे जब हम लोग अलग अलग वर्कर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हम एवरेज निकाल के एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर पाएंगे कि इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए। और टाइम स्टडीज से ही एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स का भी पता चल जाता है कि जो उस स्टैंडर्ड टाइम के अंतर्गत अपना काम कर लेता है वो एफिशिएंट वर्कर है, और जो उसमें नहीं कर पाता, जो ज़्यादा टाइम लेता है, वो इनएफिशिएंट वर्कर है। सेकेंड है हमारी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी पर्टेन्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक पुटिंग ऑब्जेक्ट, लिफ्टिंग, चेंजिंग पोजीशन, सिटिंग एटसेट्रा, विच आर मूव्ड वाइल डूइंग अ कन्वेंशनल जॉब। रैंडम मूवमेंट्स आर सॉलिसिटेटेड टू बी रिड्यूस सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू परफॉर्म द जॉब एफिशिएंटली। अब मोशन स्टडी में एम्प्लॉयर या मैनेजर क्या नोटिस करता है कि कोई भी एम्प्लॉय जब अपना काम कर रहा है तो कितने अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहे हैं। जैसे कि मानो कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो कितनी बार उसे कितनी दूर जाना पड़ रहा है टूल्स लेने, बार बार झुकना पड़ रहा है नीचे से कोई टूल उठाने के लिए, तो ये सब को ऑब्जर्व करना, कुछ ऐसा करना जिससे वो अननेसेसरी जो मूवमेंट है वो कम हो पाए। ये कहने के लिए तो बहुत छोटी बात लगती है, पर ऐसा करने से कई गुना टर्नओवर इंक्रीज होता है रियलिटी में। अगर एम्प्लॉय को बार बार झुकना पड़ रहा है तो आप एक टूल का अरेंजमेंट कर सकते हैं, अगर उसे बहुत दूर जाना पड़ता है रॉ मटेरियल लेने तो ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल उसके पास ही में रहे तो उसे इतना दूर ना जाना पड़े। ये सब मोशन स्टडी का पार्ट होता है। फिर आता है हमारा फटीग स्टडी।
अब फटीग मतलब होता है टायर्डनेस। जब कोई इंसान काम करता रहता है, बार बार काम कर रहा है, तो वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली टायर्ड हो जाएगा, और उसे क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एक ब्रेक की ज़रूरत होगी। तो फटीग स्टडी में हम लोग ये पता लगाते हैं कि कोई भी हमारा जो एम्प्लॉय है वो कितनी देर बाद टायर्ड हो रहा है, और कितने आवर्स का या कितने मिनट्स का उसको अगर हम लोग ब्रेक दें तो वो फिर से फ्रेश हो जाता है, अपने 100% एफिशिएंसी से काम करता है। ये पता लगाना हमारा फटीग स्टडी का काम होता है। नेक्स्ट है हमारी मेथड स्टडी। मेथड स्टडी कहती है कि हमें जो कन्वेंशनल चला आ रहा है कि सब लोग वही कर रहे हैं, इसलिए वो मेथड नहीं अपनाना है, अपने मन के हिसाब से मेथड नहीं अपनाना है किसी भी चीज़ को करने का। जैसे कि कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना है तो उसके दो मेथड होते हैं, या तो हम लोग लेबर को लगाएं, लेबर इंटेंसिव मेथड, या मशीन्स को यूज़ करें, मशीन इंटेंसिव मेथड या कैपिटल इंटेंसिव मेथड जिसे हम लोग कहते हैं। तो इन दोनों मेथड्स में से अपने विल एंड विशेस के अनुसार नहीं, हमें दोनों मेथड्स को अप्लाई करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा मेथड हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे कम टाइम में सबसे मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है, और उस मेथड को हमें अप्लाई करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये काम है मेथड स्टडी का। नेक्स्ट है हमारी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये कहता है कि जो वेज रेट है वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल वर्कर को एक अलग वेज रेट मिलेगा, एफिशिएंट वर्कर को अलग वेज रेट मिलेगा, और इनएफिशिएंट जो वर्कर हैं उनका वेज रेट अलग होगा। मानो मैंने एक स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया कि आपको 10 दिन के अंदर 100 यूनिट्स बनानी हैं और आपको 10 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा। एक स्टैंडर्ड टारगेट है 100 यूनिट्स बनानी है और 10 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा। अब तीन केस हैं। पहला इंसान है जिसने 100 यूनिट बनाई है एग्जैक्टली, और उसे हम लोग 10 रुपीज़ पर यूनिट पे हमने पेमेंट की 100 × 10 1000 रुपीज़ की। दूसरा एक एफिशिएंट वर्कर है, उसने 100 की जगह 120 यूनिट बना दी, तो अब उसे 10 नहीं, उसे हम लोग 12 रुपीज़ पर यूनिट पे हम लोग उसका वेजेस डिसाइड करेंगे। तो 120 × 12 तो 1440 रुपीज़ जो है वो हो गई हमारी उस वर्कर की सैलरी। एक इनएफिशिएंट वर्कर है जिसने 100 यूनिट का टारगेट नहीं अचीव करवाया, उसने सिर्फ 80 यूनिट्स ही बनाई हैं, तो अब हम लोग उसे 10 रुपीज़ या 12 रुपीज़ नहीं देंगे, हम लोग उसे कम देंगे, 10 से कम मतलब 8 रुपीज़ दे दिए हमने पर यूनिट के, तो 80 × 8 640 रुपीज़ पर यूनिट उसे मिलेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज रेट होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के वर्कर्स से। इससे क्या होता है कि लोगों को प्रेरणा मिलती है कि उन्हें और एफिशिएंटली वर्क करना है, जिससे उनका जो वेज रेट है वो इंक्रीज हो जाए, उनको पर यूनिट पे एक्स्ट्रा पैसे मिले। डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर अ वर्कर टू रीच स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। It is a method of wage payment which efficient and inefficient workers are paid at different rates. In this method, increase in efficiency is correlated with an increase in wage rate. इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।